नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे घर के नॉर्मल कूलर को एसी में तब्दील कैसे करें, जिससे आप अपने घर के रूम को एसी के जितना ही ठंडा रख सकते हो। और इस कूलर को रूम में लगाने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, रूम में जाएगी तो सिर्फ दो पाइप। यदि इस कूलर को हम रूम में लगाते हैं तो रूम में उमस बढ़ेगी और शरीर पे चिपचिपाहट महसूस होगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप में से कोई एसी नहीं खरीदेगा और अपने नॉर्मल कूलर को ही एसी में तब्दील करेगा। तो चलिए कूलर को एसी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो दोस्तों, कूलर में पानी भर रखा है हमने, और ये हमारे पास एक एक्स्ट्रा पंप है, इसको इसमें डाल देते हैं। एक ये पंप है, ये हमने एक्स्ट्रा पंप खरीदा है, ये इसके अंदर डाल देते हैं। और दोस्तों ये पंप का तार है और ये कूलर का तार है। ये हमने नीचे से बिजली का कनेक्शन ला रखा है, इसको जोड़ देते हैं। ये पंप का कनेक्शन कर दिया, ये लाइट का कनेक्शन कूलर में कर दिया। ये दोस्तों कनेक्शन हो गया, ये पंप में जा रहा है, ये कूलर का है और ये तार बिजली का है, इस तार से बिजली आ रही है। तो अब इसको टेप कर देते हैं। दोस्तों ये टेप हो गया है, इसका कनेक्शन हो गया है। अब दोस्तों जो ये पंप की पाइप है, इसका कनेक्शन इस पाइप में कर देते हैं और इस पाइप को इसके अंदर डाल देते हैं। जब दोस्तों ये कूलर चलेगा तो ये पानी ठंडा रहेगा और ये पंप की सहायता से इसके अंदर से ये पानी नीचे जाएगा और इससे वापस इसके अंदर आएगा। चलिए दोस्तों नीचे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ का काम पूरा हो चुका है और इसको हम बंद कर देते हैं। और इस कूलर को ऑन कर देते हैं और इसकी फुल स्पीड न रख के हाफ पे कर देते हैं। ये हाफ पे है, जब इसमें बिजली आएगी तो ये अपने आप चलने लगेगा। चलो दोस्तों नीचे चलते हैं। नीचे हमने क्या लगा रखा है उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो नीचे हम रूम में आ चुके हैं और जो हमने ऊपर पाइप का कनेक्शन किया था वो ये दोनों पाइप है, और जो बिजली का तार का कनेक्शन किया था ये वो बिजली के तार है। तो दोस्तों ये पाइप और ये बिजली के तार, इनका कनेक्शन एसी के इंडोर यूनिट में कर देते हैं। दोस्तों ये सेकंड हैंड एसी का इंडोर है जो मैंने एसी रिपेयर दुकान से खरीदा है। ये इंडोर यूनिट आपको लगभग 1000 से लेकर 2000 रुपये में आसानी से मिल जाएगा। और पाइप का कनेक्शन हम इसके पीछे लगी हुई ये जो तांबे की पाइप है इसमें कर देंगे, और जो बिजली का तार आ रखा है ऊपर से उसका कनेक्शन इस तार में कर देंगे। तो चलिए दोस्तों कनेक्शन करते हैं। दोस्तों एसी का कनेक्शन हो गया है हमारा और हमारे रूम का फिलहाल टेम्परेचर है 37.6 डिग्री और ह्यूमिडिटी है 24%। तो देखिए दोस्तों अभी हम एसी को चलाते हैं। दोस्तों एसी को हमने ऑन कर दिया है, अब देखते हैं ये टेम्परेचर डाउन होने में कितना समय लगेगा। चलिए इंतजार करते हैं।
तो दोस्तों लगभग एसी को शुरू किए हुए 30 मिनट हो गए और फिलहाल हमारा टेम्परेचर है 23.6 डिग्री और 35% ह्यूमिडिटी है। जब हमने शुरू किया तो हमारा टेम्परेचर था 37 डिग्री। तो चलिए दोस्तों एक बार ऊपर चल के देखते हैं जो हमने कूलर लगाया था वो कैसे काम कर रहा है। दोस्तों ये है वो कूलर जिसे हमारे रूम का टेम्परेचर कितना ठंडा हुआ है और इसका जो देखिए इसका जो ठंडा पानी है वो इस पाइप से एसी का जो इंडोर है उसके अंदर जा रहा है और इस पाइप से कूलर के अंदर आ रहा है और ये कूलर चलने के कारण ये पानी ठंडा हो रहा है। तो दोस्तों ये टेक्नोलॉजी थी जिसे हमारे नीचे रूम का टेम्परेचर भी कम हो रहा है और हमारा खर्चा भी बहुत बच गया। ये 100 वाट का ये कूलर है, लगभग 50 वाट का एसी का इंडोर है, मान के चलो 150 वाट बिजली खर्च हो रही है। और हमारा जो एसी का कंप्रेसर होता है, जैसे डेड एयर टन का हमने एसी लिया तो उसका कंप्रेसर लगभग मान के चलो 1500 वोट खाएगा, यानी 2 HP की मोटर चलती है उतना बिजली वो कंज्यूम करेगा ही करेगा। तो देख लो दोस्तों, एक तो बिजली का खर्चा हमारे ज्यादा पड़ता है और दूसरा और हमारी जेब में भी खर्चा ज्यादा पड़ता है। एक एसी खरीदने पे लगभग 35,000 का खर्चा आता है और यदि आपके घर में ये कूलर है तो आपकी जेब पे ये एसी बनाने पे लगभग 2,000 का खर्चा पड़ेगा। और दोस्तों मैंने कूलर से एसी बनाने की आपको पूरी जानकारी दी है, इसके बारे में और आपके मन में कोई सवाल हो या कोई चीज पूछना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों आपका प्यार हमें मिलता रहे तो हमारा उत्साह और बढ़ेगा।